इक्वेशन है मेरे पास 9x² + 3kx + 4। देखिए 9x² + 3kx + 4 इज इक्वल्स टू 0। ये क्वेश्चन है मेरे पास, इसमें मुझे k की वैल्यू बतानी है। और देखिए कंडीशन का आपको ध्यान रखना है, कंडीशन क्या दी हुई है मुझे, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो देखिए पिछली बार के आपको कहां मिल रहा था, c वाले टर्म पे, इस बार के आपको कहां पे मिल रहा है, x वाले टर्म में। ठीक है, तो इसमें बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, जो रूल है ना बस आप वो लगाओ। देखिए x स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट होगा वो क्या होता है, a होता है। ठीक है भाई, x के अलावा उसके साथ जो कुछ भी लिखा हो मल्टीप्लाई में वो क्या होता है, b होता है। यहाँ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, देखिए x का कोफिशिएंट पूछा जाता है, उसमें k लगा हुआ है, तो आप क्या बताते हो, आप बोलते हो ओनली 3। नो, ओनली 3 नहीं है, x को छोड़ के जो कुछ भी लिखा हो वो क्या है आपका, b है। और यहाँ साइन का ध्यान रखना है, अगर यहाँ माइनस होता तो हम b की वैल्यू -3 के बोलते, लेकिन यहाँ प्लस लगा हुआ है, इसलिए x के आगे जो कुछ भी लिखा हुआ, x के साथ जो कुछ भी मल्टीप्लाई है वो हमारा क्या है, b है। तो b की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 3 के आ गई। ठीक है, और देखिए c की वैल्यू कितनी आपकी, 4 है। ठीक है, तो सिंस रूट्स आर रियल एंड इक्वल, तो कौन सा केस लगेगा, केस लगेगा b² - 4ac = 0। b की वैल्यू क्या है आपकी, 3k, तो 3k का स्क्वायर माइनस 4 into a, मतलब 4 into 9 into c, c की जगह कितना आएगा 4, इज इक्वल्स टू 0। और देखिए 3k का स्क्वायर है, मतलब 3 का भी स्क्वायर करो और k का भी स्क्वायर करोगे, ये 3 का भी स्क्वायर और k का भी स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 × 3 = 9, k का स्क्वायर k स्क्वायर, माइनस 4 × 9 = 36 into 4, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। मन हो तो देखो आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, मन हो तो आप इसका साइन कैसा नेगेटिव है उसको राइट हैंड साइड भेज दो, तो मैं आप इसको राइट हैंड साइड भेज दे रहा हूँ, आप कैसे भी सॉल्व कर सकते हो। तो ये 0 + 36 × 4 हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा ना, मतलब सिंपल सा फंडा, ये साइन इसका चेंज हो जाएगा। ठीक है, नाउ डिवाइडिंग बाय 9 ऑन बोथ साइड, या तो इस वाले 9 को यहाँ भेज दो नीचे, या तो बोथ साइड 9 से डिवाइड कर दो, आप कुछ भी कर सकते हो। तो 9 से सपोज मैंने डिवाइड कर दिया, 9 से 9 आपका ये कैंसिल हो गया, k स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 × 1 = 9 और 9 × 4 = 36, 4 × 4 = 16। देखिए k स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 16 आ गया। ठीक है, ये देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको k की कितनी वैल्यूज मिल रही है, यहाँ पे आपको k की दो वैल्यूज मिल रही है। कैसे, मैंने आपको बताया जब भी आप यहाँ से स्क्वायर हटाओगे तो यहाँ स्क्वायर रूट लगाओगे और स्क्वायर रूट के आगे प्लस और माइनस का साइन भी आप लगाओगे। ठीक है, तो देखिए k स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16 है, ये मैंने यहाँ से स्क्वायर हटाया। ठीक है, ये ऐसा था, मैंने यहाँ से स्क्वायर हटाया और यहाँ मैंने स्क्वायर रूट लगाया, क्या ये ठीक है, नो। जब भी हम स्क्वायर हटा के स्क्वायर रूट लगाते हैं तो आगे प्लस और माइनस का साइन लगाएंगे, तो k की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, प्लस माइनस तो रहेगा ही, 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 4। तो देखिए k की दो वैल्यूज ऐसी पॉसिबल हैं, या तो k प्लस 4 हो जाए या तो k माइनस 4 हो जाए, तो चाहे प्लस, देखिए ये तो हमने आंसर दे दिया, ठीक है, कि k की वैल्यू में प्लस और माइनस 4 है, मतलब k प्लस 4 भी हो सकता है तब भी रूट्स रियल और इक्वल आएंगे, और k माइनस 4 हो सकता है तब भी रूट्स रियल और इक्वल आएंगे। देखिए k की दो वैल्यूज क्यों बनी, क्योंकि ये अपने आप में कैसा बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, x की जगह क्या आ गया k, कोई बात नहीं, k में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। चलिए मैं आपको दिखा रहा हूं, k इज इक्वल टू प्लस 4 पे भी रियल एंड इक्वल आएगा, k इज इक्वल टू माइनस 4 पे भी रूट्स रियल एंड इक्वल आएंगे। ठीक है, आपको आंसर तो यहीं पे छोड़ देना है, लेकिन मैं आपको देखिए समझाने के लिए बता रहा हूं, आगे k की वैल्यू आप यहां इस इक्वेशन में आप चेक करो, कुछ भी रखो। सपोज एक बार मैंने k इज इक्वल टू प्लस 4 लिया, ठीक है, तो देखिए क्या बन जाएगा इक्वेशन, 9x² + 3 × k की जगह 4, 3×4 = 12x + 4, ये मेरे पास इक्वेशन बनी। अब इसका आप d निकालो, d इज इक्वल टू क्या होता है, b स्क्वायर, मतलब 12 का स्क्वायर माइनस 4 × a, मतलब 4 × 9 × c। ठीक है, तो ये हो गया 144 - 4 × 9 = 36 और 36 × 4
144, तो देखिए कितना आ गया आपका D, 0 आ गया, मतलब जब K आपने प्लस 4 रखा तो डिस्क्रिमिनेंट 0 आ गया, और डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल। अब देखिए जरा, अगर मैं K इज इक्वल्स टू माइनस 4 रखूं, K इज इक्वल्स टू माइनस 4 अगर मैं रखूं तो 9 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू 4 नहीं है इस बार, 3 इंटू K की वैल्यू कितनी है माइनस 4, तो 3 इंटू माइनस 4 कितना हो जाएगा माइनस 12 हो जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस 12 एक्स प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। फिर से मैंने D निकाला, D इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर, मतलब देखिए B क्या है माइनस 12 स्क्वायर माइनस 4 इंटू A इंटू C, ठीक है, माइनस 12 इंटू माइनस 12 144, 4 9 जा 36, 36 इंटू 4 144, देखिए फिर से D आपका कितना आया 0 आया, मतलब D की मतलब K की वैल्यू या तो प्लस 4 हो तब भी रूट्स रियल और इक्वल होंगे, तो k की वैल्यू माइनस 4 हो तब भी रूट्स रियल और इक्वल होंगे, इसका मतलब k की दोनों ही वैल्यू एक्सेप्टेबल हैं, यहाँ पे दोनों ही वैल्यूज आंसर में लिखी जाएंगी, तो हम लिखेंगे आइदर k इज इक्वल्स टू प्लस 4 और k इज इक्वल्स टू माइनस 4।